रहे, ऊंची वाह परवाज हो पर पांव जमी पर ही रहे, सही, आसमां से भी उतर जाते हैं। अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात आसमां से भी उतर जाते हैं। अच्छे। क्या बात है। एक शेर देखिए, बहुत शुक्रिया। एक शेर देखिए कि एक नई जिंदगी की चाहत में, हाँ, एक नई जिंदगी की चाहत में चाक पर घूमती रही मिट्टी, आहा, चाक पर घूमती रही मिट्टी। सही, बहुत शुक्रिया। बगावत पर इस आमदा हवा से, बगावत हाँ, पर इस आमदा हवा से वाह, आहा, चरागों को भी लड़ना आ गया है, चरागों को भी लड़ना आ गया क्या है। बात, बहुत शुक्रिया। एक शेर और देखिएगा कि अपनी मेहनत की कमाई से जलाओगे अगर, हाँ अपनी मेहनत की कमाई से जलाओगे अगर, सही, घर के दीपक से भी आंगन में उजाला होगा, वाह वाह घर वाह, के क्या दीपक से भी आंगन में उजाला होगा। बात है, बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या एक बात है शेर और देखिए कि जी। डूबता सूरज जहां से कह गया, हाँ डूबता सूरज जहां से कह गया, सही, सर बुलंदी से उतर जाते हैं। अच्छे ओ जी। वाह वाह वाह, डूबता सूरज जहां से कह गया, सर बुलंदी से उतर जाते हैं सब। आहा, डूबता सूरज जहां से कह गया, सर बुलंदी से उतर जाते हैं सब, और मंजिल की आरजू में सलामत रहे जुनू। शेर मुलाहिजा फरमाया कि जी मंजिल की आरजू में सलामत रहे जुनू, जी कांटे हैं राह में के हैं पत्थर न देखिए, वाह वाह कांटे हैं राह में के हैं पत्थर न देखिए। वाह अब मैं एक पूरी गजल अपनी सुनाना चाहती हूँ, जी जी देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह शेर वाह वाह, क्या बात है, मुलाहिजा क्या फरमाए, बात प्यार है जी 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 जिसको ओहो, क्या बात है, जिंदगी मिट्टी, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह सनी क्या बात है, क्या बात है, मिट्टी, उसके वाह चेहरे वाह पे थी सनी मिट्टी। और एक शेर और मुलाहिजा फरमाए, जी मैंने जी जी देखा मिल गई
जी बहुत शुक्रिया। ये जो मैंने जो मेरा जो शेर शेर मतलब शेरी मजमुआ है जो मेरा जी जी चाक पर घूमती रही मिट्टी, तो मैंने इसी शेर से उसका उन्वान रखा है कि एक नई जिंदगी की चाहत में चाक पर घूमती रही मिट्टी। तो इसी मैंने शेर से अपने अपनी जो किताब है उसका मजमुआ का जो मैंने उन्वान जो है इसी शेर से रखा है। जी, बहुत जबरदस्त। और मजे की बात, तरन्नुम में सुनने का अपना ही मजा होता है, और वैसे अगर आप शेर पढ़े तो उसका अपना मजा। लेकिन अभी आपने तरन्नुम में जो पढ़ा है ये बहुत ही मजेदार था, बहुत मजा भी आ रहा है इसको मतलब सुनने में। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्या थोड़ी सी शायरी से हटके बात करते हैं। सुना है कि लिट्टी चोखा बड़ा मशहूर है आपके यहाँ? लिट्टी चोखा तो यहाँ का बिल्कुल खास जो एक डिश है। अच्छा। और इस खास डिश को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है, जो आता है वो बिना खाया तो यहाँ से जाता नहीं है। जी बिल्कुल। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, जरा ये बताएंगे आप? जी ये लिट्टी जो होता है ये एक आटे का समझिए तो आटे की लोई बनाई जाती है और उसके अंदर सत्तू भरा जाता है। सत्तू यहाँ का बहुत सी खास चीज है। जी सत्तू में प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च धनिया पत्ता सरसों तेल कच्चा सरसों तेल जी वगैरह डाल के उसे बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है और उसे आटे की लोई में भरा जाता है। अच्छा। और उसके बाद उसे जो लकड़ी होती है ना लकड़ी वाली जो या फिर कोयले की आग होती है जी उसके अंदर कोयले की आग बनाकर उसके ऊपर रख देते हैं और वो सही। उसी के बस आँच से धीरे धीरे पकता रहता है और साथ ही साथ ही उसमें से खुशबू आती है खाते आहा, वक्त। क्या बात वो है। बहुत ही लाजवाब डिश है जी। और उसके साथ बैगन का और आलू का चोखा बनता है ओहो, तो ये बहुत ही खास डिश है, बहुत मजा आता है खाने में। अच्छा, तो यानी आप भी अगर यहाँ आइएगा तो जरूर आपको इंशाल्लाह लिट्टी चोखा का मजा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी चोखा वो है जो सालन है, इसको चोखा कहते हैं, और लिट्टी जो है वो पेड़े पेड़ा जो होता है उसको जी कहते हैं। जी 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 लिट्टी वही होती है जो आटे का लोई बनाकर उसके अंदर सत्तू को डालते हैं और उसे कोयले की आग में धीमी धीमी आंच पर वो पकता है जी आग पर। बिल्कुल जनाब, ये मजेदार सी गुफ्तगू जारी है हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान आराधना प्रसाद से, और हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक है। बहुत जबरदस्त शायरा हैं, गजल गीत लिख चुकी हैं, किताब इनकी आ चुकी है, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं, और बहुत मज़ेदार हमारी इनसे गुफ्तगू जारी है। कुछ और नई अगर शायरी आपने लिखी है तो हमारे तमाम सुनने वाले और जी देखने वालों के लिए पेश कीजिएगा। जी जरूर जरूर। जी मैं एक और गजल आप सभी के सामने रखती हूँ कि जी जी देखिएगा कि कश्ती कागज की बनाकर देखिए, वाह कश्ती कागज की बनाकर देखिए, आहा एक बच्चा अपने अंदर देखिए। वाह कश्ती कागज की बनाकर देखिए, एक बच्चा अपने अंदर देखिए, आपकी मुट्ठी में है सारा जहां, जी आपकी मुट्ठी में है सारा जहां, एक मुकद्दर का सिकंदर देखिए। वाह क्या बात है। आपकी मुट्ठी में है सारा जहां, एक मुकद्दर का सिकंदर देखिए। क्या बात है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि कल खुशी से थी ये लहरें बावड़ी, वाह कल खुशी से थी ये लहरें बावड़ी, आज ठहरा सा समंदर देखिए, क्या बात है। आज ठहरा सा समंदर देखिए। वाह 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 बहुत शुक्रिया। क्या बात। और रूप क्या है शाम को ढल जाएगा। अच्छा शेर देखिए, शेर मुलायजा फरमाया कि रूप क्या है शाम को ढल जाएगा, डूबते सूरज को जाकर देखिए। सही बात है, रूप क्या है शाम को ढल जाएगा, डूबते सूरज को जाकर देखिए। वाह
चाहती।